गाइज, आपसे 5 साल पहले जब मैंने अपना ये चैनल स्टार्ट किया था, उस वक्त बहुत कम फाइनेंस कंपनी इंडिया के अंदर थी जो केवल आपको आधार कार्ड पैन कार्ड पर लोन देती थी, यानी ऑनलाइन आप उस टाइम बहुत ही कम लोन अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अब अगर देखेंगे आप प्ले स्टोर पर जाकर, अगर आप एक बार सर्च करेंगे ना लोन, इतनी सारी कंपनियां आपके सामने आ जाएगी, आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कौन सी कंपनी से लोन लें। और इन सभी फाइनेंस कंपनी में जितनी भी आपको प्ले स्टोर पर दिखाई देगी, ज़्यादातर फाइनेंस कंपनियां फेक है जो आपको लोन देने के बहाने लूट रही है। लोन तो आपको देती है 2 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट के अंदर, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये आप सोच भी नहीं सकते। वैसे आपको पता भी होगा कंपनी आजकल क्या कर रही है, बहुत सारी फाइनेंस कंपनियां भी, मैं सभी कंपनी को नहीं कहूंगा क्योंकि प्ले स्टोर पर अच्छी कंपनियां भी है, यानी ये मान के चलो आप प्ले स्टोर पर आपको केवल 20% तक ही फाइनेंस कंपनियां ऐसी मिलेगी जो रियल होगी, आपके साथ कोई फ्रॉड कोई धोखा नहीं करेगी, उनके पास NBFC होगी और आपको लोन मिलेगा, कम इंटरेस्ट होगा। लेकिन 80% ऐसी फाइनेंस कंपनियां प्ले स्टोर पर अवेलेबल है जो आपको लोन देने के बहाने लूटती है, आपके डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करती है, फिर आपको उन डॉक्यूमेंट्स से ही जो है आपको ब्लैकमेल करती है और वापस आपसे जितने मर्जी चाहे उतने पैसे लेती है, और साथ साथ दिन में डबल 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 पैसे लेती है। मान के चलो अगर आपको 5,000 रुपये का लोन मिला है तो 5,000 में से 3,000 आपके अकाउंट के अंदर आएंगे, 2,000 तो उसी वक्त काट लेंगे, और 7 दिन के अंदर आपको रिपेमेंट करना होगा और 5,000 के आपको 7-8 हज़ार रुपये देने पड़ सकते हैं, यानी ये मान के चलो आप 3,000 के आपको डबल देने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर आप पैसे नहीं दोगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपकी जो फोटो होती है उसको उठाकर उसके साथ वो गलत सलत करने के बाद में आपको व्हाट्सअप करते हैं, फिर आप तो भाई दोगे ही, फिर तो जितना कहे उतने देने पड़ेंगे पैसे। और ऐसा होता क्यों है, आप सोचते हैं कि भाई हम लोन एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं हमारा क्या बिगड़ेगा, भाई साहब क्या करते हो, जब आप कोई भी लोन एप्लीकेशन अपने प्ले स्टोर से अपने फ़ोन के अंदर डाउनलोड करते हो, परमिशन मांगती है आपकी गैलरी की, आपके कैमरे की, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की, सबकी परमिशन मांगती है, और जैसे आप उसको परमिशन देते हो आपका जो डेटा है उनके पास चला जाता है, कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास होती है, फोटो उनके पास चले जाते हैं, कैमरा परमिशन आपने दे रखी है, तो उसके जरिए आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से सारे नंबर उठा लेते हैं, फोटो उठा लेते हैं और आपको फिर ब्लैकमेल करते हैं। तो इसलिए गाइस मैं हर रोज आपके लिए यहाँ पर वो सभी लोन ऐप का रिव्यू करने वाला हूँ जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, चाहे वो फेक हो चाहे वो रियल हो, कैसी भी हो मैं आपको बताऊंगा। आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक और ऐसी ही लोन एप्लीकेशन लेकर आया हूँ जिसमें आपको पता चलेगा क्या वो लोन एप्लीकेशन रियल है या फिर आपको वहाँ पर फेक लोन मिलता है, यानी आपको वो कंपनी लूटती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, इंट्रो थोड़ा सा लंबा हो गया उसके लिए सॉरी गाइस, आप स्किप करके जा सकते हैं डायरेक्टली उसी एप्लीकेशन के पास। आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, देखो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक तो नहीं मिलेगा, आपको वीडियो देखकर ही जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और लोन के लिए अप्लाई करना है अगर आपका दिल मानता है तो, या फिर आप एक बार वीडियो पूरा देख लो उसके बाद तसल्ली से एप्लीकेशन डाउनलोड करना, लोन अप्लाई करना। तो फिलहाल आप जाइए प्ले स्टोर पर, प्ले स्टोर पर जाने के बाद आप वहां पर जाकर सर्च कीजिए फ्यूचर रूपी, आपके सामने है ये वाली एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, न्यू कंपनी है, 2023 के अंदर ही अभी जो है प्ले स्टोर पर ये लिस्टेड हुई है। और अगर डाउनलोड की बात करें तो यहाँ पर 10,000 प्लस डाउनलोड है शायद, हाँ 10,000 डाउनलोड हो चुकी वाली एप्लीकेशन है। और रेटिंग की अगर हम बात करें तो रेटिंग है 4.4। इस रेटिंग को देखकर बहुत मेरे भाइया जो डाउनलोड कर लेते हैं एप्लीकेशन को और वहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं, फिर उनके साथ क्या होता है उनको पता भी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इंस्टॉल का ऑप्शन है, इंस्टॉल कर सकते हैं आप, लेकिन अभी मत करना गाइस, पहले एप्लीकेशन को अच्छी तरीके से देख लो, मैं आपको बताऊंगा कैसे आपको एप्लीकेशन को देखना होता है, कैसे आपको यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई करना होता है, कैसे पता चलेगा आपको ये एप्लीकेशन रियल है या नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल गाइस अगर हम देखें इसकी फोटो, देखिए फोटो यहाँ पर क्या है, सिंपल रजिस्ट्रेशन और सिंपल ही फोटो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर जो है 5,000 से लेकर 50,000 तक का ये कंपनी लोन देने का दावा करती है आपको, आधार कार्ड पैन कार्ड पर ही आपको लोन देती है, यानी ऑनलाइन ही आप यहाँ पर लोन अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा गाइस देखिए यहाँ पर फोटो में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, यानी एप्लीकेशन का इंटरफेस कैसा है, एप्लीकेशन के अंदर क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है यहाँ पर कुछ नहीं दिखा रखा है, ओनली अपनी मर्जी से एक फोटो एडिट कर रखा है उसके ऊपर ही जो है इन्होंने लिख रखा है जो भी लिखना होता है। तो सबसे पहली काम जो है यहाँ पर ये कि इसका जो फोटो है, जो स्क्रीनशॉट इन्होंने यहाँ पर डाल रखे वो सब के सब गलत है, फेक है। सबसे पहला काम तो यहाँ पर देखिए अबाउट सेक्शन में जाइएगा आप, किसी भी लोन एप्लीकेशन में जब आप लोन अप्लाई करते हैं तो अबाउट सेक्शन में जाकर ये जरूर देख लेना कि वो जो कंपनी है भाई NBFC है या नहीं है। दूसरी बात गाइस देखिए डिस्क्रिप्शन तो तकरीबन सभी लोन एप्लीकेशन के एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन एक तरीका ऐसा होता है जिससे आप पता लगा सकते हैं कंपनी लोन, ये कंपनी फेक है या नहीं है, वो कौन सा है मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर गाइस।
तो यहाँ पर देखिए अबाउट सेक्शन में हम आ चुके हैं, यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि ये कंपनी एनबीएफसी है, ठीक है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है कि ये कंपनी एनबीएफसी है, बस ये लिख रखा है हाँ भाई ये फ्यूचर रूपी एप्लीकेशन है, बहुत अच्छी है ये वो सब कुछ, वो तो सभी लिखते हैं गाइज। और देखिए सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी यहाँ पर डाल रखा है, और ये तो डालना होगा, ये इसलिए डालना होगा क्योंकि ये प्ले स्टोर पर अगर आप कोई भी फाइनेंस कंपनी लिस्ट करती है तो उसकी ये गाइडलाइन है कि ये सब कुछ एप्लीकेशन के अंदर होना चाहिए। और लोन यहाँ पर मिलता है 5,000 से 50,000 तक का, 240 दिन तक के लिए ऐसा बोलते हैं, 18 से 25% 18.5% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, वो आगे देख लेंगे जाकर, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर गाइज देखिए एक और चीज़, अगर आप यहाँ पर जीमेल देखेंगे, इनका जो मेल है वो कोई ऑफिशियल मेल नहीं है, ये एक नॉर्मल मेल है जिसका नाम है भाई यहाँ पर porusking710@gmail.com। ये मेल जो है गाइस एक नॉर्मल मेल है, ये कोई कंपनी का मेल नहीं है, ऑफिशियल मेल नहीं है। कब लिस्ट हुई ये एप्लीकेशन, ये हुई भाई 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को अपडेट हुई है सॉरी, और रिलीज़ हुई थी ये 25 मई 2023 को, यानी अब से 3 महीने पहले ये वाली एप्लीकेशन रिलीज़ हुई है और अपडेट लास्ट अपडेट हुई है 1 जुलाई 2023 को, 10,000+ डाउनलोड की जा चुकी वाली एप्लीकेशन है। तो अभी इसको इंस्टॉल करना है? जी नहीं, अभी इंस्टॉल नहीं करना है। एक चीज़ और देख लो आप यहाँ पर, देखिए किसी भी लोन एप्लीकेशन का अगर आपको सही तरीके से पता लगाना है कि ये एप्लीकेशन सही है नहीं है, वो पता लगा सकते हैं आप उसकी रेटिंग से, उसकी जो रिव्यू वहाँ पर आए हुए हैं उससे। अब वहाँ पर भी क्या होता है गाइज, देखिए अगर मैं आपको नीचे यहाँ पर जाकर रेटिंग एंड रिव्यू में जाकर दिखाऊं, देखिए रेटिंग तो कितनी है, 4.4 रेटिंग है, जिसमें 5 स्टार सबसे ज़्यादा है। आप देखिए 5 स्टार रेटिंग सबसे ज़्यादा है और 4 स्टार उससे कम है, उसके बाद जो है 1 स्टार भी जो है थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन 2 स्टार 3 स्टार बहुत कम है, सबसे ज़्यादा है 5 स्टार। और गाइज एक चीज़ ज़रा सोचो आप कि इस तरह की एप्लीकेशन जिसका कोई भी यहाँ पर इंटरफेस अच्छा नहीं है एप्लीकेशन का, और यहाँ पर जो है कुछ भी ऐसा नहीं दे रखा है कि भाई ये एप्लीकेशन सही होगी, उसकी रेटिंग कैसे 5 स्टार आ सकती है, जरा आप सोचो। चलिए कोई बात नहीं गाइस, हम इसको ओपन करके देखते हैं और यहाँ पर जाते हैं हम पॉजिटिव में। पॉजिटिव रेटिंग होती है यानी 5 स्टार रेटिंग पॉजिटिव मानी जाएगी। अगर आप जाएंगे पॉजिटिव रेटिंग में तो मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई जो रेटिंग है खरीदी हुई है। देखिए 10/7/2023 को यहाँ पर रेटिंग है, इसके अलावा नहीं चाहिए, 13/7/2023 को रेटिंग है, और इन सब ने इस एप्लीकेशन में बहुत अच्छा बता रखा है, 12/7/2023 को यहाँ पर अच्छी रेटिंग है। एक चीज़ यहाँ पर बिल्कुल सेम दिखाई देगी आपको, वो क्या है आप मुझे कमेंट्स करके बताओ, फिर मैं आपको बताऊंगा। 14/7/2023 अगर हम नीचे तक जाएंगे सबसे नीचे तक पॉजिटिव रेटिंग में, तो लास्ट जो सबसे पहली रेटिंग है वो 7/7/2023 की है, यानी 7/7/2023 सबसे पहली रेटिंग पॉजिटिव, और उसके बाद जो है 10/7/2023 सबसे पॉजिटिव रेटिंग में आती है। यानी यहाँ पर अगर आप एक चीज़ देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 7वां महीना, हर एक रेटिंग में आपको यहाँ पर 7वां महीना दिखाई दे रहा है, 7वें महीने की सारी पॉजिटिव रेटिंग है। और एक और चीज़, 7 तारीख से लेकर ये 13 तारीख तक की रेटिंग है, यानी 5 या 6 दिन के अंदर अंदर की रेटिंग है जो सारी की सारी पॉजिटिव है। ये गाइज रेटिंग खरीदी हुई है। देखिए एक साथ तो रेटिंग नहीं डाल सकते हैं, कंपनी बोलती है कि भाई आज थोड़ी डाली, फिर कल थोड़ी डाली, फिर परसों थोड़ी डाली, यानी कि 6-7 दिन के अंदर उनको रेटिंग करनी होती है, और सारी की सारी 7वें महीने की ही रेटिंग है। जरा सोचो गाइज आप किसी भी कंपनी की एक ही महीने में सारी रेटिंग कैसे आ सकती है, जबकि जुलाई चल रहा है, जुलाई में कोई रेटिंग नहीं है, ठीक है। और ये कंपनी मेरे ख्याल से जून में लॉन्च हुई तो जून की कोई रेटिंग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और अगर हम जाए क्रिटिकल में पता चल जाएगा इसकी सच्चाई, क्योंकि क्रिटिकल में कुछ बंदे ऐसे तो होंगे ना जिन्होंने यहाँ से लोन लिया होगा, उनके साथ कुछ तो होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है मेरा भाई जिसका नाम है एम प्रोहित, ये बोले कि भाई मुझे यहाँ पर लोन का ऑफर मिला 3250 रुपये का, ठीक है, 3250 रुपये का मुझे लोन ऑफर मिला, मेरे अकाउंट में कितने पैसे आए, 2000 रुपये। कितने दिन का लोन है, 7 दिन का लोन है, पैसे वापस कितने किए, 3250 रुपये, कितने गए, 1200-1300 रुपये तकरीबन एक्स्ट्रा गए हमारे केवल 7 दिन के अंदर। इसके बाद नीचे आइए, यहाँ पर भी ये 3200 रुपये का ही लोन दे रही है। उसके बाद और नीचे आइए, यहाँ पर ही बोलेगी भाई भाई इस एप्लीकेशन को बिल्कुल डाउनलोड मत करना, ठीक है, और मैं तो ये बोलता हूँ कि इसको रिमूव करा दीजिए गूगल प्ले स्टोर से, ठीक है, ऐसा यहाँ पर किसी बंदे ने लिख रखा है। यहाँ पर देखिए सारी की सारी रेटिंग जो है भाई सब जो है गड़बड़ है, सब गड़बड़ है, सब में गड़बड़ लिख रखी है, और ये 1 स्टार रेटिंग है सारी की सारी। और एक और चीज़ यहाँ पर है जो कॉमन है, वो ये कि ये रेटिंग भी भाई 7वें महीने की है। आप देखो यहाँ पर सारी की सारी रेटिंग, ये भी 7वें महीने की ही रेटिंग है, देखो सारी की सारी 7वें महीने की रेटिंग है। अब यार एक बात मुझे समझ नहीं आ रही कि सारी की सारी रेटिंग अगर हम ऑल रेटिंग में जाए, जितनी भी रेटिंग है अगर सब में जाए तो भाई सारी की सारी 7वें महीने की रेटिंग है। अगर सबसे नीचे भी लास्ट वाली रेटिंग भी देखेंगे हम, सबसे पहले जो रेटिंग होगी यहाँ पर, चलिए वो भी देख लेता हूँ कब की रेटिंग है, बहुत सारी रेटिंग इन्होंने ले रखी है भाई, देखो लास्ट 6/7/2023, यानी गाइज 14-15 तारीख 5 तारीख से लेकर
पाँच तारीख 7वें महीने से लेकर और जितनी भी रेटिंग है इनकी, लास्ट रेटिंग भाई 15/7/2023 की, सॉरी 16/7/2023 की रेटिंग है। यानी गाइस यहाँ पर जितनी भी रेटिंग है वो सारी की सारी 7वें महीने की है, कमाल की बात है ना। तो यहाँ पर क्या है गाइस, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना इसका मतलब खतरे से मोल लेना। तो यहाँ पर क्या है गाइस, अगर आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो भाई आपकी खाट खड़ी हो सकती है, लोन तो आपको मिल जाएगा, लेकिन लोन मिलने के बाद आपके साथ क्या हो सकता है ये मैं भी आपको नहीं बता सकता गाइस। बस आपको एक ही बात बोलूंगा, किसी भी लोन एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, सोच समझ कर डाउनलोड करें, रेटिंग देखें, रिव्यू देखें, उसके बाद जो है आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देखें, अच्छी तरीके से उस एप्लीकेशन के बारे में पता करें, उसके बाद उसको डाउनलोड करें, और उसके बाद आपको उसको परमिशन देनी है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ कि ट्रस्टेड फाइनेंस कंपनी से लोन अप्लाई करें, इस तरह की कंपनी आपको लोन देने के बहाने लूटती है, ठीक है भाई। आपका जो दिल करे वो करे भाई, अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं मत करें। बाकी आप समझदार हैं, आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। तो गाइज ये थी एक और वीडियो फ्यूचर रूपी के ऊपर जिसका रिव्यू हमने किया। आपको ये एप्लीकेशन अच्छी लगती है या बुरी लगती है मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। यहाँ से आपको कितना लोन मिला यही बताइएगा। अगर आपके साथ इस कंपनी ने कुछ गलत किया है मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना गाइस, ताकि मुझे ही पता चल जाए मैंने आपको गलत बताया या सही बताया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह की वीडियो और देखने के लिए। चलिए मिलते हैं गाइस कल एक नई वीडियो के साथ। आज के लिए गाइस बस इतना ही, थैंक यू सो मच।